जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में बड़ी अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ब्यूटी की एक आइकॉन मुंबई से आई मेकअप आर्टिस्ट, बड़े बड़े स्टार्स का मेकअप किया आपने, जुदा अकबर फिल्म किया आपने, इसके अलावा दीपिका पादुकोण हो चाहे कैटरीना कैफ हो चाहे ऐश्वर्या राय हो, सबका आपने मेकअप किया। ऐसी सेलिब्रिटी स्टार हमारे साथ में श्री रजनी ओजस जी हमारे साथ में, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मैं रजनी जी आपसे बात करते हुए। कैसा लग रहा है रायपुर में आके आपको? आई थिंक रायपुर हमारे लिए बहुत ही करीब रहा है, बिकॉज हमारी माता जी रायपुर से हैं, सदर बाजार से अगर चतवानी भवन जानते हैं तो वो मेरी मम्मी का है चतवानी, तो हम लोग हर साल एक्चुअली वेकेशन में आते थे, अभी काफी टाइम से नहीं आए, लेकिन हमने काफी ब्राइड का भी मेकअप यहाँ किया है, तो हमारा बचपन यहाँ बहुत ही गुजरा है, तो रायपुर हमारे लिए बहुत ही करीब रहा है। तो रायपुर के बाद में मुंबई कैसे जाना हुआ और कैसे आपने? हम रायपुर में कभी नहीं रहे, हमारी मम्मी का जन्म रायपुर में हुआ है, ये मेरे मामा का घर है, रिलेटिव प्लेस हो गया एक तरीके से आपका। चतवानी भवन अगर आपने सुना, वो मेरे फेमस बड़ी फेमस फैमिली है और बहुत अच्छी है वो फैमिली है, मैं बहुत सारी फैमिली को जानता हूँ, रीना को जानता हूँ, रीना चतवानी को जानता हूँ। कैसा लगता है कि इस फील्ड में जब आप आए तो कैसा लगा कि इस फील्ड में जाना है आपको? ये एक्चुअली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, बट मुझे बचपन से ही मेकअप का शौक है, मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, हम घर भी डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर भी करते हैं, तो हमको बचपन से क्रिएटिविटी का बहुत शौक था, तो हमने सीए का जॉब छोड़ के मेकअप और हेयर ज्वाइन किया, और आई थिंक 22 साल पहले हमने अमेरिका में जाके कोर्स किया है, तो उसके बाद मुझे रंगीला पिक्चर मिला और मिला का, फिर उसके बाद मुझे ऐश्वर्या की बहुत सारी पिक्चर मिली, कटरीना मिली, तो फिर कोई रोकपन नहीं था, इट इज मूविंग अहेड एवरी टाइम। शुरू हो गया वहाँ से, सिलसिला शुरू हुआ रंगीला से, तो आप रंगीले रंग में रंग चंग है। क्या आप खूबसूरती देखते हैं गर्ल्स में या बॉयज में? अगर बात की जाए, आजकल बड़े लोग जो है पैशनेट हो गए हैं ब्यूटी के प्रति, बहुत ज्यादा चार्म है लोगों का, क्या पार्ट होना चाहिए जिसको लगे कि ब्यूटीफुल लगे हर आदमी? आई थिंक हर एक को अधिकार है खूबसूरत देखना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम खूबसूरत होने के लिए पागलपन करें, आई थिंक हमारे में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी है तो हम कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, हम अच्छे लगेंगे, खाली मेकअप करने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता, आई थिंक आपको अपने आप को बनाना है, आपके संस्कार होना चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपकी गरूर या घमंड नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, तो फिर वो गरूर घमंड किस काम का अगर आप में यू नो खूबसूरती है लेकिन यू नो बदतमीजी हो जाती, तो आई थिंक इट्स वेरी नॉट राइट। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े लोग हैं, मैंने जो बहुत सारे लोगों से सेलिब्रिटी से इंटरव्यू किया, डाउन टू अर्थ बहुत होते हैं आप लोग। बट जरूरी है डाउन टू अर्थ होना, बहुत जरूरी है। आई थिंक ये क्या कहेंगे रायपुर के जो लोग हैं उनसे, क्या आप कहना चाहोगे आप? आई थिंक रायपुर वालों से बहुत ही हमें प्यार मिला है, बहुत ही रिस्पेक्ट मिला है, तो आई थिंक, और हमने रायपुर आई थिंक 3 साल पहले हम आए थे शादी का मेकअप करने, तो आई थिंक अभी हमने देखा तो काफी तरक्की हो गई है और काफी क्रिएटिविटी हो गई है, और काफी लोगों में ये है कि हमें मेकअप और हेयर करना है, और शादी ब्याह का बिजनेस ऐसे कि कभी भी रुकता नहीं है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं, एंड यू नो रियली नाइस के लोगों को उस तरह से यू नो काम करने का मौका मिलता है, कमाने का भी मौका मिलता है। मेकअप आर्टिस्ट से क्या कहना चाहोगे आप जो बहुत सारे इस फील्ड में आ रहे हैं? आई थिंक हमेशा अपना कॉन्फिडेंस रखिए, और ये ना सोचे कि हाय मेरा नेबर क्या कर रहा है, मेरा कॉम्प्यूटर क्या कर रहा है, आप अपने काम पे ध्यान रखो तो आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे के बारे में सोच के मतलब नहीं है। बहुत अच्छा, आपने धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। सीबा अख्तर जी भी हमारे साथ में, बहुत अच्छा सीबा भी, बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट कर दिए जी, बहुत जी, बहुत इवेंट के लिए बहुत मेहनत किया, थैंक्स टू हर, रियली स्पेशल थैंक्स। और मीनाक्षी मैडम का भी तो आइकॉन है, राइट, मीनाक्षी मैम आल्सो इज वेरी स्वीट, तो बहुत ही अच्छा लगा उन सबसे मिलकर। बहुत अच्छा आपने समय दिया इसके लिए, मैं साथ में निशा द्विवेदी, दिनेश साहू जी भी है, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।